गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी ठंड भी कम है कल धूप निकलने की वजह से, और फॉग भी थोड़ा कम ही है आज के दिन। ये रहा आज का नज़ारा, देखते हैं आज धूप कितने बजे निकलती है या नहीं निकलती। हमें भी काम था तो हम तैयार होके निकलते हैं काम की ओर फटाफट से। मैं घर से निकलने ही वाला था कि मैंने देखा कि थोड़ी बहुत फॉग और ज़्यादा बढ़ी रही है। सो ज़्यादा ठंड ना हो आज के दिन। अब मैं निकल रहा हूँ अपने नए वाले घर के साइड, बहुत सारा काम था आज। निकलने से पहले हमारा हर समय की तरह सेफ्टी फर्स्ट। अब हम जा रहे हैं घर पे। सुबह सुबह ही मिल जाता है ट्रैफिक, जिसकी वजह से अच्छा खासा समय बर्बाद हो जाता है हमारा। सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं आया था गेट के दुकान पे। ये बन रहा हमारा गेट, अगले वीक तक ये गेट भी बन के तैयार हो जाएगा। धूप भी आज निकल गई लगभग 12 बजे, और कड़क की धूप है तो बहुत राहत होने वाली है ठंड से भी। अब मैं जा रहा हूँ वापस घर। मैं घर वापस लौटा तो मैं देखा कि लक्ष्य थोड़ा उदास है। उदास इसलिए था क्योंकि ये पढ़ाई कर रहा था। अब मैं भी लंच करके जाऊंगा कुछ मूवीज देखने। मैं आज मार्बल्स की एक मूवी देख रहा था, व्हाट इफ। उसके सीजन 1 के 4th एपिसोड में ये दिखाया जा रहा था कि कुछ चीज़ होती है हमारे लाइफ में जो निश्चित होती है, और वो घटित होती है, अगर उसे हम बदलना चाहें तो सब चीज़ बर्बाद हो जाता है। इस एपिसोड में ये दिखा रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज और उसकी गर्लफ्रेंड जब जा रहे थे तो एक्सीडेंट होता है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड मर जाती है। स्ट्रेंज उसके बाद लाख कोशिश करता है, हर पॉसिबिलिटीज़ में उसकी गर्लफ्रेंड मर ही जाती है, और लास्ट में जब वो नहीं इस चीज़ को रोकता है तो पूरा यूनिवर्स ही ख़त्म कर देता है। तो हमें ये चीज़ सीख लेनी चाहिए कि कुछ चीज़ होती है हमारी लाइफ में, घटती है, जो हम रोक नहीं सकते। कुछ भी कर ले वो होके ही रहेगा। तो अगर आप भी कुछ चीज़ों से परेशान हो तो सब्र करो। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। मैंने जब मूवी देख लिया तो देखा लक्ष्य पढ़ाई करके छत पे गेम खेल रहा था। बता, दिन भर गेम खेलते रहता है, पढ़ने लिखने से एकदम मतलब नहीं। इस लड़के को आपसे तो ज्यादा ही पढ़ते हैं, ठीक ना? तुमको एकदम पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है कि? आपसे ज्यादा ही पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? हम तो देखते ही नहीं है तुमको पढ़ते हुए। चार साल हो गए मेरा पढ़ने। 4 साल से पढ़ रहा है? 4 साल पहले पढ़े थे। 4 साल पहले ना पढ़ा था, अब नहीं ना पढ़ रहा है, क्या करेगा बड़ा होकर? पढ़ ही नहीं रहा है तो बड़ा होकर चोर बनेगा। चोर बनेगा, देख लीजिए फ्यूचर चोर को। शाम हो गया था तो हम वापस जा रहे हैं घर पे, क्योंकि काम लगा था तो काम खत्म हो गया था तो वहाँ पे देखने जाना था। वापस आ चुका था मैं। वापस आने के बाद मैंने सोचा चलो आज चाय बनाया जाए, और आज हम बनाएंगे मसाला वाली चाय। ये हमारा बन रहा मसाला वाला चाय। रात हो गई थी तो हम भी थोड़ा जा रहे थे बाहर घूमने, बेरोजगारी करने, अपना विकास के पास जा रहे हैं। और जैसे ही मैं जा रहा था तो मेरी आवाज़ सुन के देखो कौन आते अभी, ये डॉगीज 3-3, और ये जाने का नाम आज भी नहीं लेते, इन्हें आज भी ब्लॉग में ही आना था। अब वापस लौट रहे हम लोग घर की ओर।